but there's a lot more to it uh, which is left with the facebook ads session last <laughs> wala mein tum logo ko kafi had tak kafi sari cheeze cover karwa di thi and i hope tum logo tum log ne kuch kuch logo ne practice kari ho ho sakta kuch logo ne na practice ki ho the good thing is i have good news i mean obviously this no bad news but some good news that maine तकरीबन uh, 90 to 90% sabki niches finalize kar diye 10% rejections hain With Amazon affiliate marketing, with Shopify DS, मैं आज से तो मुझे मुश्किल लगता है, well, uh, कि ये कल से हम start कर सकते हैं की करना. ये सब कुछ फाइनलाइज हो जाएंगी फ्रॉम टिल मंडे मैक्सिमम बट आई नॉट गिव आउट एनी स्पेसिफिक डेज हो सकता है पहले भी हो जाए

शोपोफाइड ड्रॉपशिपिंग इज वेरी एंड ऑब्वियसली आप लोग को पता है लेकिन मैं एक चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूं जिससे आप लोग को क्लैरिटी मिल जाए इट इज एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम एमेजोन इन इन एवरी एस्पेक्ट ठीक है अमेजोन में हमारे लिए प्रोडक्ट अप्रूवल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं <clears throat> उसका एक रीजन है कि हम ये देख रहे होते हैं इन अ स्पेसिफिक कैटेगरी एमेजॉन के एक प्लेटफॉर्म के अंदर ही एक प्रोडक्ट की सप्लाई डिमांड कंपटीशन और उसका टिकट साइज बाकी कॉम्पिटिटर्स कितने का बेच रहे हैं ये क्या है वो क्या है हर चीज हम देख रहे होते हैं ठीक है शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म पे जब हम आते हैं तो हमारे पास एक कोई ई e कॉमर्स का प्लेटफॉर्म नहीं है जैसे अमेजोन तो एक ही है ना ठीक है शॉपिफाई की तो हर कोई अपना स्टोर बना रहे है, तो हम एक एस्पेक्ट से सब कुछ नहीं देख सकते इफ यू नो वट आई मीन ठीक है मतलब एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एमेजन उसके ऊपर सबका आप चीजें एवेलुएट कर रहे हो शॉपिफाई पे आते हो जब आप तो आप अब आप ये बोलते हो कि नहीं मैं अली एक्सप्रेस पे जाके हर चीज एवेलुएट ऐसा ठीक है आप अली एक्सप्रेस पे जाके चीजों को एवेलुएट कर सकते हो लेकिन देन अगेन हर कोई अली एक्सप्रेस से नहीं ले रहा होता बहुत सारे लोग वीओ मैंने मेंशन uh, किया था मैंने सीज़े ड्रॉप शिपिंग मेंशन किया था और भी इससे रिलेटेड और भी हमारे पास दूस, दूसरे तरह के सप्लायर्स uh, होते हैं जहाँ से लोग आउटसोर्स करवा रहे होते हैं जस्ट बिकॉज सो दैट यू कैन गेट द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स इन सेवन डेज टाइम है ना तो वो चीज़ें भी अपने जहन में रखिएगा तो यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट अप्रूवल्स पे आते हैं ना तो यहाँ पे कोई एक हंड्रेड पर शोर शॉर्ट नहीं होता किसी भी चीज का यहाँ पे जो आप एट एनी गिवन टाइम यू कैन राइट इट डाउन और मैं मजाक नहीं कर रहा आप कहीं पे भी किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर को भी देख लो यहाँ पे जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है स्प्लिट टेस्टिंग बिटवीन द प्रोडक्ट्स अगर आपने कोई आपके नजर में चार प्रोडक्ट्स आए हैं हाँ आप टेक लोगे जैसे मेरा आप मेरा इनपुट ले लोगे कि फॉर एग्जाम्पल यार मुझे ये प्रोडक्ट समझ आ रहा है वोट यू थिंक एंड आई वुड भी लाइक मैं अपनी चीजें थोड़ी सी कंपेयर करूंगा अब मेरे पास जो उनको कम्पेयर करूंगा बोलूंगा हाँ ठीक है ये छह करी है इन में से तीन आप, कर आप पैसे बिल्कुल भी ना कमाओ एंड देन यू हैव टू गो बैक टू स्कोय रिगार्ड टू द प्रोडक्ट एंड डू यूर प्रोडक्ट रिसर्च अगेन एंड कीगेन बिकॉज हम ट्रेंड बेस के ऊपर चलते हैं आज ये चीज है कल वो नहीं है ऐसा नहीं है कि वो एक एवरग्रीन प्रोडक्ट है और आप अगले दो साल तीन साल तक कमाते रहोगे हमको ट्रेंड लॉकडाउन करना होता है और ट्रेंड लॉकडाउन करके या कोई भी wow या उसमें है, या ये है और वो है ये सारी चीजें देखकर कर फिर हम इन कंक्लूजन पे आते ठीक है, है इसके ऊपर हम पैसा लगाएंगे पचास से अस्सी डॉलर एक भी सेल नहीं आई बर्ड Uh, usual PM, but... Sure, Imran, just contact me whenever you think it is best. Imran, uh, I would ask you to come uh, get on a call with me, schedule a call and uh, discuss things out with me. And so, just so that you guys know, I'm scheduling this call because Imran is a one month student and I'm liable to basically attend calls. बहुत सारे डिफरेंट टूल्स को यूज करते हैं चीजों को एनालाइज करने के लिए इट्स देर इज नो वन मेथड बस इस मेथड को यूज करो सब कुछ हो जाएगा ठीक है तो इस वजह से एक बात याद रखियेगा आप लेकिन हाँ मैं समझता हूँ एक चीज़ जो बहुत अच्छी है जो मुझे फील हुई वो ये कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के लिए जो एक ड्रॉप शिपिंग सेंटर अली एक्सप्रेस ने निकाला है वो बहुत काम का है बहुत ज्यादा उसको सही से यूज करना सीख लो ठीक है वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तो या सो दैट बींग सेड मैं अब आगे बढ़ता हूँ और बस बताने का मकसद ये था कि एक जरूरी नहीं है कि एक बंदे ने यहा पे टेस्टिंग बहुत जरूरी है ठीक है यहाँ पे टेस्टिंग बहुत जरूरी है ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर रैंकिंग में ऊपर ला रहे हो वी वगैरह करवा के उससे कुछ फायदा नहीं होगा आप बी वी वगैरह का चक्कर है ही नहीं यहाँ पे ठीक है यहाँ पे वो चक्कर ही नहीं है यहाँ पे स्प्लिट टेस्टिंग का चक्कर आप यहाँ पे अपने आप को रैंकिंग में ऊपर नहीं ला रहे आप अपनी आपकी अपनी ई कॉमर्स शॉप है उसी के ऊपर आप सारा काम कर रहे हो ठीक है तो ये वो वाला चक्कर नहीं है आप समझिएगा कि यहाँ पे आप मुझसे अप्रूवल्स ले लो मेरे अप्रूवल्स के बगैर भी आपको सिलेक्शन आना आपका एक्सपीरियंस बढ़ना जरूरी है कि मुझे ये कैसे चीजें सेलेक्ट करी करनी आनी चाहिए ठीक है तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा आप लोग खैर मूविंग ऑन अब जरा मैं आप लोग को आज जरा इस चीज के ऊपर थोड़ा सा बता दू कुछ चीजें आप लोग की सिलेक्शन <coughs> uh, uh, पिक्सल क्या है और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं एंड ऑल दैट तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बता दिया था सब कुछ सीबीओ एबीओ और ये सारी चीजें If you guys still remember, मैंने आप लोग के, लो के लिए और आप लोग को समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली फेसबुक पिक्सल काम कैसे करता है और ये हम लोग को किस किस तरह से हेल्प करता है देखिये पहले अगर आप लोग मेरे एक जो एक प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया मैंने बताया था आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया था फेसबुक जब आप अपनी वेबसाइट वेबसाइट लगाते हो तो आप बेसिकली अपनी को आंखें दे रहे होते हो कि वो आपकी वेबसाइट पे बिहेवियर चेक कर पाए कि कस्टमर क्या कर रहा है वो कितनी देर वेबसाइट पर है वो कहाँ कहाँ क्लिक कर रहा है और ये सारी चीजें वो ट्रैक कर पाए ठीक है ये सारी चीजें वो ट्रैक कर पाए जैसे कि ये वेब, ये वेबसाइट है ठीक है और आप यहाँ देख सकते हो मेरा फेसबुक हमारा फेसबुक पिक्सल इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है ठीक है तो अब मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा ना फेसबुक को बेसिकली आपने आंखें दे दी हैं कि फेसबुक के प्लेटफॉर्म से हट के एड को देखने के बाद वो जब आपके वेबसाइट पे आए कस्टमर तो वो मजीद आपने उसको आंखें दे दी है वो देख पाए कि वो कस्टमर कहाँ क्लिक कर रहा है कहाँ होवर कर रहा है क्या परचेज कर रहा है क्या एड टू कार्ट कर रहा है क्या सब्सक्राइब कर रहा है ये सारी एक्टिविटीज ठीक है तो चलें ये तो एक वेबसाइट के बारे में हो गया अब जब हम बात करते हैं मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वेबसाइट की तो फेसबुक उन सारी वेबसाइट्स के ऊपर जहां पे पिक्सल लगा पाए सबका डेटा लेता है सही है और उनके ना उनके अकॉर्डिंगली ग्रुप्स और कैटेगरीज अपने एंड पे अपने डेटा एसेट्स के लिहाज से वो जो है ना अपने आ, अपने चीजें बना, बना, बना लेता है अपना डाटा बना लेता है डाटा पॉइंट बना लेता है इन अदर पॉइंट ठीक है वो डाटा पॉइंट्स फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड होते हैं When you provide them information based on your साथ। you, फेसबुक पे वो जाता है Facebook पर वो कोई पेज खोलता है ऑन रेगुलर extreme कॉमर्स चेक करता है ठीक है वो आ, fbpl में इंटरेस्टेड है तो उसको फिर उससे रिलेटेड एड्स दिखना शुरू हो जाते हैं देन आई थिंक काफी हद तक आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर भी हो गई होंगी लेकिन यहां पर अब जरूरी क्या है आपके लिए एज अ बिजनेसमैन आपके लिए बिजनेस एज अ बिजनेस पर्सन ये जरूरी है कि आप फेसबुक का सही डाटा प्रोवाइड कर रहे हो जैसे कि अगर मैं बात कर देता हूं 5 सेकंड्स डॉट को आई थिंक सेकंड्स

थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है कि यार exactly आप क्या चीज बेच रहे होल है? है, तो रहे हो लेकिन तो यहाँ पे फेसबुक आपके पूरी वेबसाइट की एक पिक्चर तो खींच लेता है कि गैजेट्स बेच रहे हो लेकिन फिर आपके टिकट साइज के लिहाज से भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है कि आपका एक अगर

ऐसे लोग ढूंढे जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड uh, होगा तो उसके लिए हम कस्टम कन्वर्जन बनाते हैं ठीक है अब लेट मी डाइव डीप इन टू दिस होल कॉन्सेप्ट ताकि आपको ऐसा ऐसा समझ आए पहली चीज तो मैं आपको ये बात समझाता हूं जब आप पहली बार एड्स बनाते हो तो आपके पास एक लर्निंग फेज आता है ठीक है वो कुछ ऐसा दिखता है ये देखें जब आप पहली बार एड्स बनाते हो खास तौर तो पे कन्वर्जन मुझे तो आप लोग तो के अच्छा, न, तो आप लो दिमाग में आएगा कि ये परचेस की बात कर रहा है नहीं कन्वर्जन इवेंट कुछ भी हो सकता है सही है कन्वर्जन इवेंट कुछ भी हो सकता है अब फॉर एग्जाम्पल में जरा दो सेकेंड के लिए एक यहाँ पे एक न्यू बना जरा चेक करिएगा जरा अगर मैं एक ई कॉमर्स स्टोर की बात कर रहा हूं तो एक कन्वर्जन इवेंट क्या क्या हो सकता है कंटेंट व्यू नंबर वन वो बंदा आपकी वेबसाइट पे आया या आपके प्रोडक्ट पेज पे आया कंटेंट व्यू हुआ आपके प्रोडक्ट का मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेकंड्स की बात करता हूं मैंने यह, ये भी कंटेंट व्यू है यहां पर मैं बैठा हुआ ये भी कॉन्टेंट व्यू है पेज व्यू कंटेंट व्यू एक ही बात होती है ठीक है पेज व्यू कंटेंट व्यू एक ही बात है यहां पे मैं क्लिक करता हूं ये भी कंटेंट व्यू है चेक करिएगा पेज व्यू व्यू कंटेंट एक ही बात कोई मसला नहीं ठीक है मैं एक पेज व्यू कर रहा हूँ एक कॉन्टेंट व्यू कर रहा हूँ ठीक है कॉन्टेंट व्यू कर रहा हूं मैं यहाँ पे पिक्सल फायर हो गया उसका अब आ जाते हैं कॉन्टेंट व्यू के बाद और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं हमारे पास एड टू कार्ट होता है हमारे पास इनिशिएट चेकआउट होता है हमारे पास परचेस होता है और भी आप डाल सकते हो बीच में लेकिन एक मोटे मोटे इवेंट ये होते हैं हमारे पास ठीक है अब अगर मैंने ये एक जर्नी बना दिया कस्टमर का तो आप लोग क्या ये बात खुद सोच सकते हो दो सेकंड के लिए विजुलाइज करो और मैं आपको गूगल एनालिटिक्स से एग्जांपल उठा के दिखाऊंगा ताकि आपको ज्यादा चीजें तमीज से और बहुत आसानी से समझ आए ठीक है ये जो एस्पेक्ट मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ हाँ बिल्कुल लेकिन मसला ये इम्प्रेशन को मैं इम्प्रेशन में नहीं आता impressions जो है ना इसमें नहीं आता ये वो हैं जो मैं आपकी website पे दे रहा हूं इंप्रेशन तो जब एड के ऊपर है ना टोटल इंप्रेशन कितने हुए वो कन्वर्जन इवेंट नहीं हुआ कन्वर्जन इवेंट में हम अभी फिलहाल वो इवेंट्स लेंगे जो आपकी वेबसाइट पे काउंट होगा आपकी वेबसाइट पे इंप्रेशन काउंट नहीं होगा बस एक तरह से होगा लेकिन मैं आप लोगों को उलझन ऊपर तो तो गया फिर नीचे गया ऊपर गया, 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 गया तो ये चार इंप्रेशन हो गए एक ही बंदे के ठीक है मैं अभी इन इम्प्रेशन की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं आपकी वेबसाइट पे एक बंदा लैंड कर गया और आपने बेसिकली इवेंट्स हैं आपकी वेबसाइट पे कॉन्टेंट व्यू एड टू कार्ट इनिशियल परचेस अभी फिलहाल मैं इनकी बात कर रहा हूं तो अभी फिलहाल तो एक सेकेंड रुकेगा हाँ तो अब अगर मैं कन्वर्जन मैं आप लोगों को भी थोड़ी रिलेटेबल एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप लोगों को विजुलाइज़ कर सके इस बात को फनल विजुलाइजेशन ठीक है सब लोग प्लीज आ, अच्छा मैं आ, मैं गाइस अभी सबकी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ और अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई ये खोले ना कोई भी वीडियो बिकॉज मैं बहुत ज्यादा फोकस चाह रहा हूँ आप लोग का थोड़ा सा माइंड बॉगलिंग होगा लेकिन मतलब थोड़ा सा ओवरवेलम हो सकता है आप लोग थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाए आप लोग का दिमाग लेकिन कोशिश करिएगा फोकस कीजिए हम फेसबुक को जब अपनी वेबसाइट बनाते तो हम फेसबुक को बताते फेसबुक हमारी वेबसाइट पे ये चार या छह फनल हैं पूरे और ये बड़े इंपॉर्टेंट है दिस इज हाउ थिंग्स गो स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर जैसे कि यहां पे मैं बोल देता हूं कॉन्टेंट यू स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर मेरी जो ये वेबसाइट है एमसीबी आरिफ अबीब की यहां पे एक मिनट रुकी जरा उप रॉन्ग अकाउंट जरा एक मिनट का मुझे अकाउंट शिफ्ट करने बहुत अजीब है। तो यहां पर आ जाते हैं जी अच्छा अब मैं जरा हमारे स्टेप्स की तरफ आ जाता हूं ताकि मैं आप लोगों को एग्जांपल दे पाऊं मैंने जो बोला हुआ है ना

एक हजार तीन सौ साठ लोग ऑलमोस्ट यही समझ ले कि आपकी इस वेबसाइट पे एक हजार तीन सौ साठ लोग आए फिर एक हजार तीन सौ साठ में से आठ सौ चालीस लोग तकरीबन कट गए और थ्री फोर्टी फोर ने आगे प्रोसीड कर लिया प्रोसीड करते यहां पर आ गए फनल में मतलब इतने लोगों ने थ्री हंड्रेड कोई एक हजार तीन सौ लोगों में से एक हजार तीन सौ लोगों ने एड टू कार्ट कर लिया ये है फनल इस तरह ही लेके चलते हैं तो मैं अब आपको एक के ऊपर एग्जाम्पल के दिखा देता हूं ठीक है यहां पर आ जाते हैं इतने लोगों ने प्रोसीड करा आगे उसके बाद इतने लोगों ने आगे और मजीद प्रोसीड करा और उन्होंने प्रोडक्ट प्रोडक्ट परचेज कर लिया इस तरह बनता है फनल मतलब इससे आपको एक बात वाज तौर पे जाहिर होती है वो क्या है कि स्टेप वन को अचीव करना सबसे आसान है स्टेप टू को अचीव करना उससे मुश्किल स्टेप थ्री फोर थ्री को उससे मुश्किल और सबसे मुश्किल होता है परचेस इवेंट को ट्रिगर करना मतलब लेट्स गो बैक टू दैटबुक बोलता है कि मुझे एक हफ्ते में पचास इवेंट्स चाहिए परचेस छोड़ दे यहाँ पे फेसबुक बोलता है मुझे पचास इवेंट्स चाहिए ठीक है तो जब हम फनल बनाते हैं तो आप एट सेट लेवल पे आप अपना कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट करते हो जरा मुझे इस वाले कन्वर्जन इवेंट को छोड़ने दे ये असल में ऐप इंस्टॉल है तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो मैं कर देता हूं यहाँ पे फर्नल वेबसाइट कन्वर्जन पे देखिए? जरा अप्लाई। ये आ गई मेरा ख्याल है नहीं ये भी नहीं है रुकिएगा जरा एक मिनट ऑब्जेक्टिव्स। चलें बाहर अभी उसने बेसिकली कन्वर्जन में ही लिया हुआ है मुझे पता है क्यों लिया हुआ में मैं अभी फिलहाल यही कर लेता हूँ मुझे मसला नहीं है मैं नीचे चला जाता हूँ नीचे जाके तो मुझे मिल जाएगा हाँ चलें अब मैं जरा इसको अरेंज कर लेता हूँ डिफॉल्ट Lifetime. हाँ ठीक है बेहतर है तो अब यहां आ जाते हैं हम इस वाले पे तो यहां पे तो मैंने मैंने एक दिया हुआ है यहां मैंने क्या बोला हुआ है गेट वेरिफिकेशन बटन मैं आपको दिखा देता तो, हूँ गेट वेरिफिकेशन बटन का है? मेरा फनल यहां से स्टार्ट होता है प्रोसीड बटन पे करता हूं और प्रोसीड बटन के बाद गेट वेरिफिकेशन बटन आ जाता है इस बटन के ऊपर अच्छा आप लोग बटन के ऊपर अभी फिलहाल इस चीज में नहीं उलझेगा मुझे बटन पे लगाना है मुझे बटन पे लगाना है अभी आप लोग ने पेजेस के ऊपर लगाना है मतलब पूरे पेज के ऊपर आपने लगाया हुआ है जो भी इस पेज के ऊपर लैंड करेगा आपका कन्वर्जन इवेंट ट्रिगर हो जाएगा एक और तरीका ये होता है कि आप बटन के ऊपर लगाओ कि पेज के ऊपर ना ट्रिगर हो जब कोई प्रोसीड पे क्लिक करे फिर आपका कन्वर्जन इवेंट ट्रिगर हो जाए मैंने किस पे लगाया हुआ है मैंने बटन पे लगाया हुआ है आपको बटन पे लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये एक डिफरेंट साइट है ई कॉमर्स डिफरेंट तरीके से चलती है ये एक म्यूचुअल फंड है इंडस्ट्री तो आपको इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको पेज पे लगाना है वो मैं सब बाद में बताऊंगा कैसे लगाते हैं क्या करते हैं आपके बाय डिफॉल्ट जब आप शॉपिफाई पे लगाते हो सारे इवेंट्स ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाते हैं सबसे अच्छी बात यह है, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूं मैंने एक बेट वेरिफिकेशन बटन लगाया हुआ तो आप ये समझ लें अगर मैं रिलेटेबल एग्जाम्पल दू तो स्टेप वन है ये स्टेप टू है स्टेप थ्री स्टेप फोर स्टेप वन बहुत आसान होता है स्टेप स्टेप उससे आसान मुश्किल और स्टेप फोर सबसे मुश्किल अचीव करना तो आप ये समझे मैंने इस लेवल पे लगाया टू पे तो एड टू कार्ड इवेंट फिर भी तो शुरू से, से ही सारे अपना जो डेटा पॉइंट देते हैं फेसबुक को वो बोलता है कि वो डायरेक्टली एड टू कार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और सॉरी परचेस को डायरेक्टली जाते हैं और यहां पर ये रहा डायरेक्टली परचेज को सेलेक्ट कर लेते हैं और अपना एड चलाना शुरू कर देते हैं अब आप मुझे ये बात बताएं आप लोग का बजट इतने थिन होते हैं आप भाई जब आपके पास बड़ा बजट हो कि आप एक दिन में 100 300 डॉलर 300 डॉलर खर्च कर सकते हो तो फिर समझ आता है लेकिन अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप दिन में इतना बड़ा बजट दो फेसबुक को और आप 50 इवेंट्स दे सको फेसबुक को तो आपके लिए ये गलत बनता है आप नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली परचेज के ऊपर स्टार्ट करो फेसबुक बोलता है कि भाई आपने मुझे कन्वर्जन इवेंट देना है आप मुझे वो कन्वर्जन इवेंट दो जिसके आप अपने बजट के साथ एक हफ्ते के अंदर पचास कन्वर्जन इवेंट दे सकते हो अपने बजट के लिहाज से जिसके आप पचास इवेंट दे सकते हो अगर तो आपकी सेल्स आ रही है पांच डॉलर पर डे के लिहाज से कि आप एक हफ्ते से पहले पचास कन्वर्जन उस इवेंट की दे दो परचेजेस की सपोज अगर आपकी 50 परचेजेस एक हफ्ते के अंदर आ जाती तो इसका मतलब आपने एक हफ्ते के अंदर फेसबुक को 50 इवेंट ट्रिगर करके दे दिए के अगर आपने नहीं करके दिए तो फिर फेसबुक बोलता है कि यार मेरे लिए कम आपको नहीं बोलेगा लेकिन बैक एंड पे ये सच है कि फेसबुक बोलेगा मेरे लिए तुम्हारी ऑडियंस अपने डेटाबेस से ढूंढना कंपेरेटिवली अब मुश्किल हो जाएगा तो फेसबुक बोलता है कि यार मुझे थोड़े अब आप बोलोगे कंटेंट व्यू दो लेकिन कंटेंट व्यू में तो फिर हर बंदा उठा के कंटेंट व्यू कर रहा है तो बहुत ही कचरा हो गया ये तो तो आप लोग को एक मिडिल लाइन अडॉप्ट करनी पड़ेगी एक मिडिल लाइन अडॉप्ट करनी पड़ेगी जिसमें आप पचास इवेंट्स भी दे दो और फिर बाद में अपना होमवर्क भी बाद में करते रहो विद टाइम तो पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो लर्निंग फेज होता है ना ये वाला इसमें आपको फेसबुक खुद बोलता है ये बात कि मुझे आपके 50 इवेंट जिस इवेंट के ऊपर भी आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो मैं देखिए मैंने प्रोसीड बटन, तो बटन।, बटन पे कभी भी नहीं करा क्योंकि मुझे पता है हर बंदा आके प्रोसीड बटन पे करेगा तो बहरहाल प्रोसीड बटन भी है गेट वेरिफिकेशन स्टेप वन प्रोसीड के बाद आ रही गेट वेरिफिकेशन को इस पे ऑप्टिमाइज करा तो पहली एक तो ये चीज हो गई अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बताया है अब जस्ट जस्ट इट्स नॉट अबाउट ड्रॉप शिपिंग इट्स अबाउट ऑल कोई भी बिजनेस हो फेसबुक का फेसबुक ये बोलता है कि भाई मुझे पचास इवेंट तुम मुझे दे दो मैं तुम्हें और फेसबुक बोलता है कि बहुत आसान भी ना हो बहुत मुश्किल भी ना हो हाँ बहुत मुश्किल दो जब तुम्हारा बजट ऐसा हो कि तुम दे सकते हो पहले तो तुम लोग अपने दिमाग में ये बात बांध लो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ज्यादातर लोग ये चीज मिस आउट कर देते हैं ठीक है अच्छा अब मैं ये वाला हिस्सा ठीक है अभी ये हिस्सा मैं स्किप करूंगा और मैं आऊंगा यहाँ ये वाला हिस्सा मैं आप लोग को बाद में समझाऊंगा बिकॉज ये बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए अभी कंफ्यूजिंग हो जाएगा ठीक है ये आ, समझने वाली चीज है बहुत ज्यादा ये आप लोग का समझे बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा लेकिन जब मैं यहाँ ये सब कुछ समझा के आगे आ, आ जाऊंगा तब तो फिलहाल आप लोग को इतना समझ आ गया कि हाउ फेसबुक एड्स वर्क एट द बैक एंड कि फेसबुक एड्स बोलता है एड सेट लेवल पे कि भाई मुझे तुम 50 इवेंट्स दे दो और मैं फिर अपने डेटाबेस से तुमको कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छी हेल्दी ऑडियंस लाके दूं फेसबुक ये बात बोलता है ठीक है ज़रा प्लीज़ आई जस्ट होप यू गैस डोंट माइंड मेरी तबीयत जरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है तो मैं ज़रा एक सेकेंड पानी पी के आ जाऊँ मैं ज़रा और कुछ मतलब कोई चॉकलेट वगैरह ले लूँ ताकि मुझे तबीयत थोड़ी बेहतर फील हो मेरी ठीक है थैंक यू जी। या मैं एक काम करता हूँ मैं दो स्लाइड्स और समझा देता हूँ आप लोग को और फिर मैं सेशन एंड कर देता बिकॉज़ मेरी तबीयत बाकी बहुत ऑफ है अच्छा सो so, एक इतना तो तुम लोग कम से कम याद रखो जो मैंने अभी ये बताए देखो बस कभी भी एड जिंदगी में क्रिएट करो भले वो शॉपिफाई के लिए हो या किसी और के लिए भी हो हाँ मैं जरा थोड़ी देर में ऑफ करता हूँ तो जो भी हो इन एनी वे एक बार तुम लोग को दिमाग में रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने को बताया ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता और तुम लोग कभी भी चेक कर लेना होगा हो हो तो कि भाई आ, अभी पचास इवेंट्स चाहिए फेसबुक को ठीक है और जरूरी होते हैं वो पचास इवेंट्स देना अब आपको फनल में ना स्प्लिट टेस्ट करना होता है कभी कुछ अब मैं आपको ये विद एक्सपीरियंस बता रहा हूं एक लेवल होता है जब आप कंटेंट यूज करते हो लेकिन अभी मैं उस बारे बारे में बात नहीं कर रहा मैं बस आपको कोई बात बता रहा हूँ कि ऐसा मेरे साथ लिटरली हुआ है और मेरे साथ मेरे बहुत सारे दूसरे दोस्तों के साथ भी हुआ है कि वो इवेंट को परचेज पे चला रहे होते हैं इवेंट कभी, कभी आ भी जाते हैं और कभी नहीं भी आ पा रहे होते हैं। फिर एड टू कार्ड पे शिफ्ट करते हैं एकदम सेल्स आना शुरू हो जाती है हैपन आपको ट्रायल एंड एरर करके थोड़ा सा ऊपर नीचे करके करना होता है लेकिन अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है चीज पूरी जिंदगी याद रखिएगा और यहां पे मैं जानता हूं कि किसी ने फेसबुक एड्स रन भी करें तो 99.9% उसने भी ये गलती करी होगी शायद वो अभी भी कर रहा हो ठीक है याद रखिएगा मेरी ये बात अगर आप कभी भी अपना बजट तकरीबन हाफ से ज्यादा चेंज करते हो कभी कभी तो ये सपोज मेरा ये बजट चल रहा है डॉलर पर डे ये वाले पर्टिकुलर दो सौ डॉलर पर ले जाता हूं ना ये लर्निंग फेज से बाहर आ चुका है जब लर्निंग फेज में आ जाता है ना तो आपके आ, एड्स और आपकी जो आ, वो होते हैं ना रिजल्ट वो बहुत स्टेबल हो जाते हैं कंसिस्टेंट रह जाते हैं बहुत अरसे के लिए फिर छेड़िएगा नहीं अगर अच्छे रिजल्ट आ, आ रहे हो

ये देखिए लर्निंग लर्निंग आई एम श्योर कुछ मैंने चेंज करा होगा लर्निंग पे चला गया ये देखें अब ये पचास इवेंट्स फिर से मांग रहा है देख रहे हैं।, हैं आप अब इसमें से अभी फिलहाल फॉर सम रीजन मैंने आई एम श्योर मैंने कुछ करा होगा ये वापस लर्निंग फेज में चला गया जबकि लर्निंग फेज से बाहर आ चुका था अब वापस फेसबुक बोल रहा है कि भाई तुमने जो ना अपना बजट चेंज बहुत करा है या तुमने हेडलाइन चेंज करी है या तुमने ये करा या तुमने वो करा या तुमने कंट्रीज बहुत ऐड करा अगर आप अपने सेट्स में ज्यादा चेंजेस करते हो तो ये हो जाता है तो हमेशा मेरी बात याद रखिएगा जो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लोअर हाई डजेंट मैटर लो भी हो या हाई भी हो आपका ये रीसेट हो जाएगा और ये वापस लर्निंग फेज में चला जाएगा फिर आप स्टेबल ही करके रह, करते रह जाओगे और आपका एड स्टेबल नहीं होगा स्टेबल हो जाए आपका एड छोड़ दो उसको जब तक वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है सही है एक चीज दूसरी चीज तो मैं क्या करूं सवाल ये आता है तो मैं क्या करूं अगर मेरे साथ ये एक मसला हुआ हुआ है कि मैं अपना बजट चेंज करना चाह रहा हूँ या मैं चीजें बहुत सिग्निफिकेंट चेंज करना चाह रहा हूँ या फॉर या, एग्जाम्पल आप बोलते हो यार ये जो है ना होम इम्प्रूवमेंट वाला जो मेरा एडसेट बना हुआ है इसमें मैं जो है ना मुझे लगता है कि मैं इसमें होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हाउस भी ऐड कर देता हूँ या होम इम्प्रूवमेंट्स भी ऐड कर देता हूँ मैं ये मैं ऐड करना भूल गया होम इम्प्रूवमेंट होम इम्प्रूवमेंट तो करा हुआ ना होम इम्प्रूवमेंट्स भी ऐड कर देता हूँ ये क्या करा मैंने द मोमेंट आई डू दिस एंड आई पब्लिश इट ये फिर रीसेट पे चला जाएगा या रीसेट पे चला जाएगा या अच्छा या वाली बात को छोड़ दे रीसेट पे चला जाएगा दूसरी चीज हो सकता है ये अपनी परफॉर्मेंस देना बंद कर दे मैं आपको ये बात अपने एक्सपीरियंस की सिर्फ नहीं बता रहा मैं फेसबुक से बैठ के मेरी बातें होती हैं बकायदा मैं उसकी भी बात बता रहा हूं वो खुद ही बात बोलते बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि अगर आपको होम इंप्रूवमेंट्स एड करना है या कुछ और भी इसी इसी में इंटरेस्ट ऐड करने या डिलीट करने या कुछ भी करना है या चेंज करनी है कुछ भी करना है फॉर एग्जाम्पल होम इंप्रूवमेंट वाले एड में एक और एग्जाम्पल दे देता हूं अभी मैं आप लोगों को चीजें साथ में एक साथ ही अप करूंगा इसी रिलेटेड होम इंप्रूवमेंट में जो लोग सबसे आराम से कन्वर्ट हो रहे हैं 412 लोग 25 से 34 की एज में कन्वर्ट हुए हैं चार लोग तो आप बोलते हैं यार ये दोनों कॉस्ट इनकी हाई आ रही है थर्टी फाइव से 54 फिफ्टी फोर की ओवरऑल कॉस्ट बड़ी कर रहे हैं तो मैं एक काम करता हूं मैं सिर्फ इन दोनों इनको ही टारगेट करता हूं और मैं इस पर जाके एज को एडिट कर देता हूं डोंट डू इट डोंट डू इट इंस्टेड इफ यू वॉन्ट टू डू इट डुप्लीकेट करें इस को सही है डुप्लीकेट करके और फिर उसके बाद इसमें चीजें चेंज करें क्यों इसके बहुत कुछ रीजन तो मैंने आप लोगों को अभी बता कि वो रीसेट हो जाता है लर्निंग फेज में फिर चला जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा और फिर हो सकता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से ओरिजिनल परफॉर्मेंस से हट जाए वैसा परफॉर्म करना बंद कर दें क्योंकि आपको ये लग रहा था कि यार ये एड एडसेट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है मैं इसको और अच्छा परफॉर्म करवा सकता हूं और मैं चीजें एडिट कर देता हूँ एडसेट लेवल पर आपकी बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने अभी आपको कुछ रीजन दिया उस वजह से और जब ये एडसेट चल रहा होता है ना तो इसका एक सीपीएम जेनरेट हुआ बहुत है कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन मतलब थाउजेंड इंप्रेशन तक या कॉस्ट पर क्लिक इसका आपको फेसबुक क्या दे रहा था जरा चार्ट चेक करते हैं हम इसके ऊपर क्लिक करा मैंने एडिट पर क्लिक करा इस पर्टिकुलर एडसेट का जो सीपीएम था ब्लू वाला सीपीएम है वो पहले शुरू में हाई था फिर वो लो हुआ और अब एक स्टेबल है मतलब एक सॉर्ट ऑफ अगर आप देखें काफी स्टेबल चल रहे लो, 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 करते, करते, मतलब डाउन डाउन आपकी कॉस्ट क्या लग रही है थाउजेंड इम्प्रेशन तक पहुंचने की सही है मैं कॉस्ट पर क्लिक भी कर सकता हूं इस पर कोई इश्यू नहीं है या कॉस्ट पर रिजल्ट भी कर सकता हूं मैं ठीक है लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट पर थाउजेंड इम्प्रेशन की एक कॉमन वो है कि अब आपको जब गेज करना होता है कि मेरे कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन क्या चल रहे हैं। तो जब हम इधर देखते हैं, हम बोलते हैं है, है, यहां से थोड़ा सा थाउजेंड इम्प्रेशन तो अब आप एक स्टेबल स्टेज पे आ गए है। सही है, यहां से लग रहा है जैसे शायद ये नीचे की तरफ जाए ठीक है अब जब आप इसको एडिट करते हैं ना ये पूरा बर्बाद हो जाएगा आपका फेसबुक इस चीज को फिर से इवैल्यूएट करना शुरू करेगा आपका जो ऐड यहां पे चल रहा था वो इट इज हाईली लाइकली कि ये अगले दिन उठ के भले से अगर आप एक नया ऐड सेट इसको डुप्लीकेट करके बनाते और फिर ये हाई होता और फिर ये आराम से स्टेबल होता फेसबुक बोलता है कि क्या कर दिया इसने मैं तो इसको एक अपने डिफरेंट डाटा पॉइंट्स के ये जिन इंटरेस्ट टारगेट आई एम सॉरी ये जिन इंटरेस्ट को टारगेट करा था जिस पॉपुलेशन को टारगेट करा था जिस डेमोग्राफिक को टारगेट करा था जिस प्लेसमेंट पे इसने मेरा पेड रखा हुआ था इसने सब कुछ हिला दिया तो मैं इसको सेम सीपीएम पे कैसे रख सकता हूं और अब मेरे लिए अब सब कुछ एकदम एबनॉर्मल हो जाएगा आपका आपके रिजल्ट तहस नहस हो जाएंगे फेसबुक उस चीज को सही से नहीं कर पाएगा और आप बोलोगे अबे यार ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था इस पे इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे थे मैंने इसको छेड़ दिया और अब आपके कभी वो रिजल्ट्स वापस आके ही नहीं देंगे लिहाजा सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप हमेशा इसको डुप्लिकेट करो और डुप्लिकेट करके फिर आप इसके ऊपर एड चलाना शुरू कर दो इसको ऑन रहने दो इसको मत छेड़ो आप अलग से एक और एडसेट बनाओ और उसमें आपको जो करना था आप करो और फिर उसको लाइव लेके जाओ एग्जिस्टिंग अच्छे एडसेट्स को कभी भी इस तरह टच मत करना ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है खास तौर पे अच्छे एडसेट्स के लिए और यही कैंपेन भी भी हम बोलते हैं और यही चीजें हम एड लेवल पे भी बोलते हैं कि अगर एक अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू हो गया है तो उसको छेड़ो मत उसको डुप्लीकेट कर लो लेकिन उस वाले एडसेट को मत छेड़ो या एड को मत छेड़ो या कैंपेन को मत छेड़ो ठीक है ये बात जरा आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा दिस दिस ओनली कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस ये आप लोग को जब आप लोग अगर एड्स रन करते रहते हो करते रहते हो तो आप लोग के तकरीबन तीन साल चार साल के एक्सपीरियंस के बाद ये बात आएगी और आप लोग कहीं पे भी पढ़ लो कम्युनिटी पे बड़े प्रोफेशनल से बात कर लो वो बोलेंगे कि यह बंदा हंड्रेड परसेंट आपसे सही बात बोल रहा है ये बात मेरी याद रखना ओके okay. सो so, अब एक दो चीजें और मैं डिस्कस करके बताता हूं आप लोग को ठीक है हमारे पास तीन तरह की टारगेटिंग टारगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं और हमारे पास ऑडियंस टारगेटिंग जो होती है वो तकरीबन सात तरीके के होते हैं सेवन ऑलमोस्ट सेवन टाइप्स होते हैं हमारे सही है तो मैं पहले बात कर लेता हूँ इसके बारे में टारगेटिंग स्ट्रक्चर टारगेटिंग स्ट्रक्चर हमारे जो तीन है उसमें ये होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है आपने कैंपेन बनाया और आपने बोला कि मैं कर रहा हूं फ्लेक्स टारगेटिंग आप तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ कर सकते हो टारगेटिंग अभी टारगेटिंग क्या है मैं बताता हूं फ्लेक्स टारगेटिंग होता है जहां पे आप तीन से लेके पांच इंटरेस्ट रखते हो छह भी रख सकते हो सात भी रख सकते हो लेकिन ऑल टुगेदर कोई दो तीन चार पांच रखते हो और नैरो डाउन करते हो आप दूसरी तरह की एक और टारगेटिंग के साथ फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये प्रोडक्ट है ठीक है आ रहा हूं अगर आपका ये प्रोडक्ट है और ये मैग्नेटिक केबल चार्जिंग माइक्रो यूएसबी टाइप सी लाइटिंग और इसमें कुछ खासियत है आई डोंट नो वट एवर आई थिंक इसमें आप इसके जो है ना आगे के कुछ जो स्लॉट्स है वो चेंज कर सकते हो और आईफोन के लिए कर लो किसी भी चीज के लिए यूज कर लो तो मैं ये यूज करूंगा एक बात बोलता हूँ पीपल हु आर इंटरेस्टेड बेसिकली मैं ये बोलूंगा कि ये उस तरह के लोगों को बहुत पसंद आएगा शायद जो जो के टेक सेवी हो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एडोप्टर्स हो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडोप्टर्स हो प्लस पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन सेल फोन्स लेटेस्ट सेल फोन्स तो मैं और प्लस वो लोग जो कि ऑनलाइन खरीदना पसंद करते हूँ तो मैंने सपोज इधर समझ ले ये मेरे वगैरह नहीं है यहाँ पे समझ लिया मैंने कर लिया एजेंट uh, नहीं uh, इससे रिलेटेड में और कुछ सेवी एजेंट नहीं बट टेक्स फॉर एग्जाम्पल या गैजेट्स में जो इंटरेस्टेड हो सही है कूल cool गैजेट्स में जो इंटरेस्टेड हो और प्लस मैंने नैरो डाउन कर दिया और सेल फोन में ये भी मैंने ऐड कर दिया कुछ इंटरेस्ट वगैरह मैंने सर्च करे और मैंने ऐड कर दिया ठीक है ऐड करने के बाद मैंने इसको बोला कि यार ये तो वो लोग हैं लेकिन प्लस मैं चाहता हूं वो लोग भी आए ऑन बोर्ड या उन लोगों को फेसबुक टारगेट करे कि जो मोबाइल में इंटरेस्टेड है या जो टेक्स है हो प्लस जो

सेवन ठीक है एट एक्स मैक्स एक्स एस मैक्स एक्स एस एक्स और आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं ठीक है तो मैं वो चाहता हूं वो ऑन्टरप्रेन्योर्स जिनके पास आईफोन एट एक्स एस एक्स एस मैक्स सेवन और सेवन प्लस हो फेसबुक सिर्फ इन लोगों को टारगेट करना दिस इज फ्लेक्स टारगेटिंग सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग इज के मैं बोलता हूं सारे हटा दो

दिस इज जनरल स्टैकिंग आप कुछ इंटरेस्ट को एक साथ ऐड कर देते हो अब आप मेरे ऊपर नहीं जाइएगा कि मैंने करा हुआ है स्टैकिंग तो मैं भी स्टैकिंग करूंगा ये तीनों बहुत फायदेमंद है तीनों इनमें कभी कोई चलता है कभी कोई नहीं चलता कभी कुछ ज्यादा अच्छा चल जाता है एक दिन आपका ये ज्यादा अच्छा चल रहा होगा अगले दिन ये आपका अच्छा बुरा चल रहा होगा उसके अगले दिन ये अच्छा चल रहा होगा उसके अगले दिन ये बुरा अच्छा चल रहा होगा फिर ये अच्छा चलना शुरू हो जाएगा तो इट्स अ मिक्स एंड मैच थिंग बट आजकल मशहूर कौन सा हुआ है वो मैं अपना इनपुट दे देता हूँ बट हो सकता है आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट जाए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के से बता देता हूं। ये बहुत जबरदस्त चल रहा है और स्टैकिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है और सॉरी आई एम सॉरी सिंगल इंटरेस्ट बहुत अच्छा चल रहा है और स्टैकिंग बहुत अच्छा चल रहा है 2015-2016 में जो ड्रॉप ड्रॉपशिपर्स थे वो ये एक्सट्रीम पे यूज करते थे एक्सट्रीम पर लेकिन मसला ये है कि इसमें से कुछ जो है ना इंटरेस्ट uh, उसके ऊपर हम लोग को ये लगने लगा है मतलब ड्रॉप शिपर्स की बात कर रहा हूं कि शॉपर्स एक बोहौत, बोहौत uh, एक बहुत बहुत मशहूर वो है बिहेवियर uh, uh, सही है तो जब आप कुछ भी जो मैंने आप लोग को एक प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका दिखाया था जिसमें आपको फेसबुक दिखाना शुरू कर देता है ना एड्स वो बेसिकली एंगेज शॉपर्स का हिस्सा है मसला ये है कि लोग ये अब, अब सोच रहे हैं और मैं मुझे भी ये लगता है काफी जो हैं, कि इंगेज पे आप पैसे ज्यादा लेता है बिकॉज एक वो कैटेगरी है जहां पे आपको डायरेक्टली वो लोग मिलते हैं जो कि ऑनलाइन बाइंग बिहेवियर जिनका है ठीक है तो इस वजह से फ्लेक्स इज अब लोगों को फील होता है कि थोड़ा और हाँ एक बात और मैं बताना चाहता हूँ फेसबुक अपने मुंह से भी बोलता हूँ ये भी मैं आपको बता दूं आप भी बोलेंगे मैं जितनी ज्यादा नैरो डाउन टारगेटिंग करूंगा पोटेंशियल रीच जितनी छोटी होगी उतना ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट आएगा जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आप लोग आप लोग मत लगाइएगा एक्सपेंड इंटरेस्ट ई कॉमर्स में अच्छा नहीं होता ठीक है अभी मेरी जो है ना पांच मिलियन की रीच है और मैं बोलता हूँ डाउन करता हूँ मैं इसमें एंगेज शॉपर्स तो ये कम हो जाएगा ठीक है और मैं बोलता हूँ 1.6 मिलियन हो गया मैं बोलता तो हूँ नहीं, नहीं और साथ में रियल स्टेट होम लोग जो, जो uh, होम तो मुझे चाहिए थी। बस वो 83, लोग है, इनको मेरा ऐड नजर आएगा वो कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे मैं आपको बताता हूं व्हाट हैपेंस आप इनको टारगेट करना शुरू कर देंगे आपको फेसबुक इतना चार्ज करेगा आपकी सोच है फेसबुक बोलता है पोटेंशियल रीच ज्यादा रखो ये फेसबुक की बेस्ट प्रैक्टिस में है हाँ मैं आपको यह बोलूंगा कि कीप इट अब फाइव मिलियन एंड आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम फॉर अ फैक्ट ट्राई टू कीप इट अब सपोज अगर आपने ये इंटरेस्ट टारगेटिंग करी और आपका होता है कि नहीं यार ये नहीं हो रही लेकिन यही मुझे टारगेट करना है तब जाके आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो ये आपका एकदम से बढ़ के कोई ट्वेल्व मिलियन पे पहुंच जाएगा लेकिन डोंट वरी अबाउट इट इग्नोर इट इग्नोर दिस

जितने कम लोगों को आप टारगेट करोगे उतना ज्यादा होगा अब मैं इसको और नैरो डाउन कर दूं और मैं बोल फॉर नैरोग्जाम्पल और लोग जो खाडी में भी इंटरेस्टेड हो तो ये और छोटा हो जाएगा 41. और मैं बोलता हूं अब वो लोग होते हैं कसम खुदा की लोग ऐसे होते हैं जो ये करते ही चले जाते करते ही चले जाते हैं जिनके पास जो है ना आईफोन हो प्लस खाडी में इंटरेस्टेड और आईफोन में इंटरेस्टेड हो और जो है ना मतलब आईफोन ऐसी हो फॉर एग्जांपल इतने

नेक्स्ट सेशन में इसका जवाब दे दूंगा बट राइट नाउ के नॉट एंटरटेन दम मे थोड़ी इतनी एनर्जी रही नहीं है कि मैं करूँ बट फेसबुक एड्स। बट मैं ये कर दूंगा सही so, अली yeah, uh, uh, मैं ये uh, जो मैंने अभी आप शायद आप थोड़ा लेट आए मैंने बता दिया था सबको कि मैं जल्द से जल्द बट आई ट्राई टू गेट दिस डन ASAP मैंने Amazon affiliate का दे दिया सबको दे दिया है और रिजेक्शन भी दे दिए एक्सेप्टेंस भी दे दिए है और वो अब लोगों को सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा मैं सब अब प्रोडक्ट्स के ऊपर अब मैं डायरेक्टली जंप करूंगा ठीक है चलें गाइस आप लोग अपना ख्याल रखिएगा फिर अंटिल नेक्स्ट टाइम ओके हाफिज़